नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं क्राइम जगत की कुछ अहम खबरों पर। दौलामिट्टी परिसर में सोमवार को सुबह इंजीनियरिंग की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार स्मारिका रमेश विरखेले उम्र 21 साल दौलामिट्टी माड़ा कॉलोनी निवासी कलमेश्वर मार्ग स्थित एसबी जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहती थी। माँ लैब टेक्नीशियन होने से सोमवार को सुबह वह अपनी टू व्हीलर से माँ को लैब में छोड़कर घर वापस लौट आई। उस समय घर में कोई सदस्य उपस्थित नहीं था। इस बीच उसने घर का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। सुबह 8 बजे के दरमियान घर में काम करने वाली महिला जब प्रतिदिन की तरह घर पहुंची तो यह घटना उजागर हुई। माता पिता को सूचना मिलते ही वे तुरंत घर पहुंचे। सूचना मिलते ही वाड़ी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या का कारण अद्याप अस्पष्ट है। सोशल साइट इंस्टाग्राम पर महंगी गाड़ी सस्ते दाम पर देने के लुभावने विज्ञापन की बलि चढ़कर एक कपड़ा व्यापारी को करीब 26,08,233 रुपए का चूना लग गया। जानकारी के अनुसार गांधीबाग झुंझुनवाला स्कूल के पास रहने वाले चिराग सुरेश केवल रमानी उम्र 28 साल की तहसील परिसर में आरडी डिस्ट्रीब्यूटर नाम से होलसेल कपड़े की दुकान है। उन्हें इंस्टाग्राम पर एक जीप कार का विज्ञापन दिखा। उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के बाद उनकी नवी मुंबई निवासी अर्जुन अय्यर से बातचीत हुई। तब जीप कंपनी की फोर व्हीलर गाड़ी का अर्जुन ने 26,08,233 रुपए में सौदा तय किया, लेकिन इसके बाद अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलते ही चिराग ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मनपा में उजागर हुए स्टेशनरी घोटाले के मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां होकर आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया कि इस घोटाले में कुछ उच्च अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है। अधिकारियों और इन आरोपियों को एक दूसरे के समक्ष बिठाकर मामले की तह तक जाना है, जिससे आरोपियों को पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध अदालत से किया गया। सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के क्लर्क मोहन पडवंशी, ऑडिटर मोहम्मद अशफाक अहमद, स्टेशनरी सप्लायर ठेकेदार अतुल साकोरे और पद्माकर कोलबा साकोरे को 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए। मोहन पडवंशी की ओर से अधिवक्ता प्रकाश नायडू ने पैरवी की। पारिवारिक विवाद को लेकर जारी पुरानी रंजिश में युवक ने अपनी मौसी के पति और बच्चे को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी का नाम विनोबा भावे नगर निवासी अबोध देवानंद निमगढ़े बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अबोध की मौसी सुषमा श्याम बंसोड़ भी विनोबा भावे नगर परिसर में अपने घर परिवार के साथ रहती है। अबोध और सुषमा के परिवार में किसी बात पर काफी पहले से विवाद जारी है। घटना की रात करीब 8 बजे एक बार फिर अबोध ने उनसे झगड़ना शुरू किया। इस बीच सुषमा के पति श्याम भरत बंसोड़ और उनका बेटा सूरज की अबोध के साथ बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर अबोध ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और चला दिया। इससे शाम की जांग और सूरज के माथे पर चाकू लगा, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। चाकू मारकर अबोध वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अबोध को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में पत्नी पर बदनीयत रखने वाले व्यक्ति पर पति ने ईंट से हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से जख्मी होकर हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आरोपी इंदिरा माता नगर निवासी राज उर्फ राजकुमार आनंद पराते बताया गया, जबकि जख्मी का नाम अमर मधुकर वानखेड़े उम्र 40 है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी और दोस्त भी है। अमर को शराब की लत है। वह हमेशा नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और मारपीट करता था। इस बीच
इस बात से परेशान होकर एक महीने पहले उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। तब से अमर घर पर अकेला था। और इसी के साथ क्राइम न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। आगे की ताजा खबरों के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार।